आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एक तो पोलरिटी टेस्ट और उसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना सिखाएंगे। पोलरिटी टेस्ट क्यों की जाती है ट्रांसफार्मर की? दो ट्रांसफार्मरों को समांतर संयोजन के लिए, ठीक है। और ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए, और एक होता है इसमें कॉपर लॉस, उस लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो अपन इस प्रैक्टिकल के अंदर तीन प्रैक्टिकल करने वाले हैं, एक तो पोलरिटी टेस्ट, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट और तीसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लोहा आनि भी ज्ञात कर सकते हैं, तामर आनि भी ज्ञात कर सकते हैं और इसके ध्रुवता भी चेक कर सकते हैं। तो पहले आपको इसका सर्किट डायग्राम समझना है, पोलरिटी टेस्ट कैसे की जाती है, ओपन सर्किट सर्किट का डायग्राम कैसे होगा, क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर सर्किट डायग्राम बनाना बहुत है जरूरी। और सर्किट डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो ये मान लो आप सर्किट का कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो पहले अपन चलते हैं बोर्ड के ऊपर, उसके बाद में अपन इसका करेंगे प्रैक्टिकल। अपने पास ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या क्या आपको सामान चाहिए, कौन कौन से उपकरण चाहिए, वर्ण सहित बात करेंगे। पहला प्रैक्टिकल तो अपना ट्रांसफार्मर की ध्रुवता परीक्षण। और दूसरा प्रैक्टिकल होगा ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। और तीसरा प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट। पहले प्रैक्टिकल पर आओ। पहले एक नंबर प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर की ध्रुवता परीक्षण, पोलरिटी टेस्ट। क्यों की जाती है? दो समान रेटिंग के, क्या समान रेटिंग के ट्रांसफार्मरों को समांतर में जोड़ने के लिए, समांतर में जोड़ने के लिए ध्रुवता परीक्षण किया जाता है। आगे बात समझ में? अपन बात करें ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर में लोहा हानि आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए, और तीसरा है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट परीक्षण। यह क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। तीनों प्रैक्टिकल का काम क्या है वो समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर की रेटिंग समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, और एक होती है ध्रुवता परीक्षण, ध्रुवता समान होनी चाहिए, फिर दो ट्रांसफार्मरों का आप समांतर संयोजन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन क्यों किया जाता है? कि कम रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं, कई बार क्या होता है कि लाइन पर ज्यादा लोड हो जाता है, तो उस लोड को सहन करने के लिए दो ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन किया जाता है। आपको ध्रुवता परीक्षण कैसे करनी है? ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? दो होती, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। मान लो कि यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसके प्राइमरी में ज्यादा टर्न होंगे, सेकेंडरी में कम टर्न होंगे। तो हाँ, सेकेंडरी में ज्यादा टर्न और प्राइमरी में कम टर्न। अगर इसको स्टेप डाउन बना देते हैं, अपन क्या बना देते हैं? स्टेप डाउन। स्टेप अप के अंदर कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें प्राइमरी में कम टर्न और सेकेंडरी में ज्यादा टर्न। और स्टेप डाउन में क्या होता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है,
जिसके प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग 240 वोल्ट है। ठीक है, प्राइमरी की रेटिंग कितनी है 240, सेकेंडरी की रेटिंग अलग अलग होती है, तो आप इसकी माप लेना कितनी रेटिंग का है। ठीक है, अब ये 100 का है, 200 का है, 150 का है, 50 वोल्टेज का है, पर प्राइमरी के अंदर अपन कितने देंगे 230 या 240 वोल्ट। ठीक है, आपको ध्रुवता परीक्षण करना हो तो किस प्रकार करना है। अब मान लो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका वाइंडिंग का एक सिरे को आपको मानना है, कुछ भी मान, या तो प्राइमरी है तो इसको या तो P1 मानो या P2 मानो, तो इसको अपन P1 मान लेते हैं, तो इसका ये हो गया P2, एक को P1 मान लेना है, दूसरे को P2 हो ही गया। अब सेकेंडरी के अंदर है, इसमें S1 और S2 मानना नहीं है, ज्ञात करना है, जांच करनी है इसकी। जांच कैसे करनी है आपको, ये P1 मान लिया, ये P2 हो गया, ये सेकेंडरी की वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको अब ज्ञात करना है कि इसमें S1 कौन सा है, S2। अब क्या करना है आपको, एक तो प्राइमरी का सिरा और एक सेकेंडरी का सिरा आपस में क्या कर देना है, कॉमन कर देना है। एक तो सप्लाई का सिरा यहां लगाना है, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी के बीच में लगाना आपको वोल्ट मीटर, एक सप्लाई का सिरा यहां जोड़ देना, इन दोनों सिरों के मध्य अपन 240 वोल्टेज सप्लाई देंगे, एसी वोल्टेज देंगे, तो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा। अगर वोल्ट मीटर 240 वोल्ट से अधिक दर्शाए, कितनी 240 से अधिक दर्शाए, तो यह मान लेना जो कॉमन किए हैं ना नीचे वाले सिरे, यह है विपरीत, अपोजिट रहेंगे। अपोजिट का मतलब इसका अपन P1 P2 मान रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, इसके विपरीत वाला S2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वोल्ट मीटर 240 वोल्टेज से कम वोल्टेज दर्शाए, तो जो कॉमन सिरे किए हैं वो क्या है, समान है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पोलरिटी टेस्ट, इसी प्रकार करना आपको। अब चलते हैं अपन ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में वही दो वाइंडिंग होती है, इसको भी अपन स्टेप अप डाउन बना लेते हैं। स्टेप डाउन के अंदर प्राइमरी में ज्यादा टर्न और सेकेंडरी में कम टर्न। अब ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये मान लो कि स्टेप अप है, ये स्टेप अप है, अप का मतलब कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज। तो कम वोल्टेज जो साइड होती है, मान लो कि ये ट्रांसफार्मर 100x250 वोल्ट का है, ठीक है, 250 वोल्टेज को 100 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या 100 को 250 में कर देता है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ट्रांसफार्मर है अप है। तो ये जो 100 वोल्ट की रेटिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग को पूरा का पूरा 100 वोल्टेज देना है। ठीक है, इसकी रेटिंग के अनुसार, मतलब कम वोल्टेज साइड होती है उसकी रेटिंग का अनुसार उसको पूरा वोल्टेज देना है, और हाई वोल्टेज साइड होती है उसको रखना आपको ओपन रखना है। ठीक है, अब जिस साइड में अपन सप्लाई दे रहे हैं, उस साइड में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 क्या होना चाहिए, मीटर होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो चाहिए आपको एमीटर, और एक चाहिए आपको वोल्ट मीटर, और एक चाहिए आपको वाट मीटर। कितने मीटर हो गए, 3। वोल्ट मीटर को तो जोड़ना है आपको फेज और न्यूट्रल के साथ समांतर क्रम में, और एमीटर को जोड़ना है आपको फेज के श्रेणी क्रम में, और जो वाट मीटर होता है, वाट मीटर में दो कवाइल होते हैं, एक तो होती है करंट कॉइल तो जुड़ेगी सीरीज में, और प्रेशर कॉइल जुड़ेगी समांतर में। ये हो गई आपके 3 मीटरों का संयोजन।
ये वाइंडिंग की रेटिंग है 100 वोल्ट की, तो इसमें दे देंगे अपने 100 वोल्ट। सेकेंडरी को रखना है ओपन। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट। अब नो लोड पर, जिस ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है फिर भी उसको करंट ले रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें लॉस हो रहा है। उस लॉस को क्या बोलते हैं अपने? आयरन लॉस। ये आयरन लॉस इसकी जो कोर होती है ना उसमें होता है, ठीक है। इस लॉस को वाट मीटर से अपन ज्ञात करेंगे। अब ये वाट मीटर रीडिंग देगा 10 वाट दो या 20 दो या 50 या 100 150 200 कितनी भी दो, लेकिन ये जो देगा, मान लो कि ये 20 वाट आपको रीडिंग दे रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये 20 वाट क्या है? आयरन लॉस। ये लॉस ऐसा लॉस है, इसको बोलते हैं अपन स्थिर लॉस, कांस्टेंट लॉस होता है। इसमें लोड बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप लोड रखो या नो लोड पे रखो, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 20 वाट का तो इसमें इसके कोर में लॉस होगा। ये वाट मीटर है, वाट मीटर में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, इसका भी संयोजन देख लो। वाट मीटर, वाट मीटर के अंदर 4 टर्मिनल होंगे, वोल्ट मीटर एमीटर है, इनके अंदर तो क्या आते हैं? 2 ही आते हैं, इसमें आएंगे 4, और 4 पर लिखा होता है एम एल सी और वी, ठीक है। आपको एम और सी को तो कर देना है कॉमन, इसको तो जोड़ देना है फेज से, और जो एल है एल से सप्लाई निकाल ली है फेज, वी को कर देना है आपको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट। आ गए कि समझ में? चारों टर्मिनल हो गए बुक, आया समझ में? या दोबारा बताऊं? दोबारा सुन, आपके पास फेज है और एक है न्यूट्रल, इनके बीच में तो जोड़ेगा। इसमें है 4 टर्मिनल एम एल सी और वी। एम एल सी वी का मतलब क्या होता है? मेन लाइन कॉमन वोल्टेज, ठीक है। नाम क्या है इसकी, फुल फॉर्म क्या है? मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। अब संयोजन करना, आपको फेज वायर लिया, एम में दिया, एम से निकाला और सी में जोड़ दिया, ठीक है। और ये एल है, एल से निकाल के ये तो फेज आ गया बाहर, और ये जो वी है ये न्यूट्रल वायर लिया और वी में दिया और वी से निकाल दिया न्यूट्रल, मीटर के साथ संयोजित होकर फेज और न्यूट्रल बाहर निकल, ठीक है। अगर आपके पास, मान लो अपने पास ये जो वाट मीटर है ये 1200 वाट का है इसकी रेंज, और कॉपर लॉस ये होता है बिल्कुल कम, 10 वाट 20 वाट ये होता है, इसमें 30 वाट भी होती, लेकिन ये इसमें अपन देख नहीं पाते क्यों? कम से कम 50 या 100 वाट ये उसमें रेंज है। तो इसके साथ अपन जो वोल्ट मीटर और एमीटर जोड़ रखे हैं ना, इनकी रीडिंग नोट कर लेना। मान लो कि 100 वोल्ट है और ये एमीटर मान लो कि 1 एम्पियर रीडिंग दिखा रहा है, तो कितना लॉस हो गया इसमें? 100 वाट का हो गया ना। मान लो ये 0.5 रीडिंग दिखा रहा है, तो कितना लॉस हो गया? 50 वाट का लॉस हो गया। वाट के याद करने का सूत्र क्या होता है? विन टू आई, पी बराबर विन टू आई। तो वी भी है अपने पास और आई का मान भी है, तो अपन पी का मान निकाल सकते हैं। और ये वाट मीटर भी क्या दर्शा रहा है? पी का मान ही दर्शा। आ गई बात समझ में? ये तो हो गया ओपन सर्किट टेस्ट और ये हो गया पोलरिटी टेस्ट। अब तीसरा जो बचा है, ये बचा है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सर्किट डायग्राम बनाते रहना और उसको रजिस्टर में तो एक बार बनाओ, दो बार बनाओ, तीन बार बनाओ, लेकिन दिमाग में एक बार फिक्स करना है ना, फिर बार बार रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं होती। तीसरा है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेंगे,
उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग का टेस्ट करेंगे। उच्च वोल्टेज साइड मान लो कि ये है, इसकी रेटिंग है 240 वोल्ट इंटू 150। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हुआ? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन हो गया। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग की रेटिंग कितनी है? 240। इस 240 का 5% वोल्टेज का मान निकालो, कितना हो गया? 12 वोल्ट हो। इसमें इसकी रेटिंग का कितना देना है? 5%। कहने का मतलब 12 वोल्ट सप्लाई देनी उच्च वोल्टेज साइड में, ठीक है, और निम्न वोल्टेज साइड है इसको कर देना आपको शॉर्ट कर देना, ठीक है। अब इस टेस्ट की जांच करने के लिए इसमें मीटर लगाने होंगे आपको, मापक यंत्र लगाने, वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर। ये लगा देते हैं अपन इसमें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगेगा समांतर में, एमीटर लगेगा श्रेणी में, और आप बच गए आपके पास वाट मीटर वाला, ठीक है। वाट मीटर में 4 पॉइंट हैं, एम, एल, सी और वी, ठीक है। एम और सी को कर देना कॉमन, एल से सप्लाई निकालना और ये दे देना फेज, और वी को क्या करना आप कनेक्ट न्यूट्रल के साथ, ठीक है। ये हो गया वाट मीटर का कनेक्शन। वाट मीटर में एक क्वाइल तो होती है करंट क्वाइल जो फेज के श्रेणी क्रम में, एक होती है प्रेशर क्वाइल जो फेज के समांतर क्रम में, इस प्रकार जुड़ता है। इनका नाम दे रखा है एमएल सीवी मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। अब ये वाट मीटर जितनी रीडिंग देगा वो क्या दर्शाएगा? तामर लॉस, कॉपर लॉस, ठीक है। 5% देना है उच्च वोल्टेज साइड में। अगर पूरा वोल्टेज दे देंगे तो ये साइड में शॉर्ट सर्किट है, वाइंडिंग ये जल जाएगी। आ गई समझ में बात? 5% से ही पता लग जाता है कि कितना इसमें कॉपर लॉस है, ठीक है। कॉपर लॉस कहां होता है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में। अब 5% से ये गर्म हो जाता है तो अपन इसमें 250 देंगे, इस साइड में फेज और न्यूट्रल को आपस में टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। तो इसका 5% ही देना है, 5% से ही कॉपर लॉस का पता लग जाएगा। ज्यादा है वोल्टेज को कम करता है, उसको सेट कर लेंगे अपन 15 वोल्ट पर। मल्टीमीटर से माप लेंगे कि यहां 15 वोल्ट दे रहा है, वो 15 वोल्ट इसके प्राइमरी वाइंडिंग से जोड़ देंगे। आ गई बात समझ? एसी वोल्टेज को कम करने के लिए अपने पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, उस ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज का मान घटाया, उसका 5% दिया और तामर लॉस या कॉपर लॉस ज्ञात करें। पूर्ण आपको पूछ ले कि इसमें पूर्ण बनाइए तो पूर्ण बना देना अपना। ये पूर्ण ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसमें रेटिंग के अनुसार ये 5% है तो इसमें 12 वोल्ट दिखा दो यहां, और ओपन सर्किट रहेगा तो ओपन सर्किट में निम्न वोल्टेज साइड की रेटिंग का, जैसे मान ले अपन मान लेते हैं 100 वोल्ट, ठीक है। इसमें जोड़ दिया वाट मीटर, एक जोड़ देंगे एमीटर और एक जोड़ देंगे वोल्ट मीटर। ये जोड़कर इसमें पहले लगा देना है आपको ऑटो ट्रांसफार्मर। सप्लाई देते हैं ना अपने, वहां ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बना करके आप फेज और न्यूट्रल दे देना आराम से। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल, ठीक है। एक तो सिंबल ये इस प्रकार का भी होता है, ये तो हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, और आप कवाइल टाइप में बनाना और इसके साथ आप जोड़ोगे, ये हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। रेटिंग के अनुसार आप करंट इस वोल्टेज के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। सर्किट डायग्राम बनाओ और वर्क बेंच पे चलो,
अपन अब ये अपने पास ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, इसमें पहले इसकी उच्च वोल्टेज साइड और निम्न वोल्टेज साइड का पता लगाना आपको, ठीक है। उच्च वोल्टेज साइड का पता कैसे लगाओगे? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उच्च वोल्टेज, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो निम्न वोल्टेज। मल्टीमीटर लेना और दोनों टर्मिनलों पर इसका रेजिस्टेंस चेक करना। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसमें? 30 ओम आ रहा है। अब इसके साथ इसकी बॉडी की भी टेस्ट कर लेना, ठीक है। कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, नहीं बॉडी अर्थ है इसका मतलब, ठीक है। इसमें आ रहा 30 ओम और सेकंड में, सेकंड में आ रहा 6 ओम। तो 30 ओम वाली जो साइड है वो हाई वोल्टेज हो गई और 6 ओम वाली लो वोल्टेज हो गई। अब ये तो पता लग गया कि हाई वोल्टेज कौन सी और लो वोल्टेज कौन सी। अब इसकी पोलरिटी टेस्ट करना है, तो इसको अपन मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको सेकेंडरी। ये प्राइमरी का रेड वाला तो मान लेते हैं P1 और ब्लैक वाला P2 मान लेते हैं। तो P1 और P2 ये तो मान लिया अपन ने, इसके साथ S1 और S2 का पता लगाना है। तो S2 और S1 का पता किस प्रकार लगाना है आपको? एक तो ले लेना आपको प्राइमरी वाइंडिंग का टर्मिनल, एक ले लेना सेकेंडरी का, आपस में कर देना इनको शॉर्ट। ये शॉर्ट कर दिया इसको, अब एक बच गया प्राइमरी का और एक बच गया सेकेंडरी का। इसमें लगाएंगे अपने वोल्ट मीटर, सप्लाई वोल्टेज चेक कर लेते हैं। लो बोर्ड का है सप्लाई का, सप्लाई चेक करना है कितनी सप्लाई इसको दे रहे हो। एक बोर्ड और लियो। अब अपन करेंगे ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर ये चालू है क्या लाइन? ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड, निम्न वोल्टेज साइड लेनी है आपको। इसकी रेटिंग कितनी है चेक किया? कितनी है? इधर कितनी वोल्टेज दिया आपने? 240 वोल्टेज दो इसको सप्लाई। अरे 230 दे दो, 240 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी उच्च वोल्टेज साइड है 240 रेंज की है, तो इसमें 240 दो, आउटपुट देखो इसमें कितना वोल्टेज दर्शा रहा है, उस वोल्टेज के अनुसार इसमें आउटपुट में वोल्टेज देना। लगाओ इसमें, उसके 240 के करीब ही आ रहे हैं डायरेक्ट लाइन के। हाँ उसी को ले लो। अब देख लो ना इसमें 240 के, अब मल्टीमीटर से देख लेते हैं अपने वोल्टेज पे। लगाओ 245 वोल्टेज है, 250 वोल्टेज तक सहन कर लेगी। तो ये 245 वोल्टेज दे दो इसको, डायरेक्ट दो इसको। एक वायर लगा दो छोटा सा टुकड़ा। अरे पीछे लगा के बाड़ो रफ्तार, बैठने के बाद ये सिस्टम उपचुक हो जाएगा। मतलब 150 वोल्टेज की रेटिंग है, इधर अपन 250 वोल्टेज देंगे, ये 150 देगी, ठीक है। तो निम्न वोल्टेज साइड में आपको 150 वोल्टेज देना है, ठीक है। अब 150 वोल्टेज पे इसको सेट करो आप। कर लिया, एक मिनट और कर दो, थोड़ा कम और करो। ये होगा 150 ना, 150 वोल्टेज दे दिया इसको। अब सप्लाई को ऑफ करो, यहाँ से 150 वोल्टेज सेट कर लिया। वोल्ट मीटर लेना है, सप्लाई के समांतर में लगाना है। एमीटर की जगह अपन क्या लगा रहे हैं? मल्टीमीटर है, इसमें सप्लाई की रीडिंग सही आ जाएगी अपने पास। ये वाट मीटर, वाट मीटर कैसे जोड़ना है? इसमें एम एल सी और वी चार कॉमन है, एम और सी को कर दिया कॉमन, इसको जोड़ना है सप्लाई से। यहां जोड़ देते हैं, लग गया। और इसमें एक है वी, वी को लगाना है न्यूट्रल में
यहाँ न्यूट्रल से आ गया, न्यूट्रल में लग गया और इसको लगा दो फेज के सर। अब ए मीटर की जगह तो कौन सा काम में लेंगे, करंट की रेटिंग ये है इसमें, ये रेटिंग होगी ठीक है, करंट पे सेट करना है ए मीटर को। ये डीसी आ रही है, इसको करना आपको एसी। अब अपन 100 वोल्टेज सप्लाई देंगे इसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग रखनी है आपको, ओपन रखनी है सेकेंडरी वाइंडिंग को। अब देखो इसमें सप्लाई ऑन करो, डेढ़ सौ वोल्टेज अपन दे रहे हैं इसमें, इसमें करंट कितना आया 0.07 को 150 से मल्टीप्लाई कर लो, करो। अब इसमें तो रीडिंग वाट मीटर में तो दिखाई नहीं, क्यों तो जीरो से डायरेक्ट 250 है, तो इसमें तो अपन अनुमान नहीं लगा सकते है ना। अब करंट को और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करो, 0.07 को 150 से करेंगे तो आ गई 10.5 वाट। इसमें क्या है, आयरन लॉस, ये लॉस फिक्स लॉस है, ये लोड परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, ये अब लोड बढ़ाएंगे तो भी यही रहेगा, घटाएंगे तो भी यही रहेगा। ये तो होता है ओपन सर्किट टेस्ट, इसमें कोई कंफ्यूज कोई कंफ्यूज। सर ये भी बताया था जितने इसमें ये आ रहा है एम्पीयर है, लोड आ रहा है, इसको कितने भाग करना है, 150 को, 150 को जितना वोल्टेज अपन दे रहे हैं वो करंट से गुणा बराबर V into I, वोल्टेज into करंट। इस ट्रांसफार्मर में कोई किसी प्रकार का लोड नहीं है फिर भी वो करंट ले रहा है, तो करंट क्यों ले रहा है, इसकी ये जो कोर है इसमें जा रहा है वो करंट, हाँ ठीक है। अगर इसमें ज्यादा करंट ले तो क्या मानना है, इसमें लॉस ज्यादा हो रही है, लॉस को कम करने के लिए इस पत्तियों को क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील से क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है ठीक है, और लेमिनेटेड करने से पतली पत्तियों को काटने से क्या होता है एडी करंट लॉस कम होता है। आ गई बात समझ में। अब देखो आपको करना है तीसरा इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इसकी वाइंडिंग सप्लाई ऑफ करो, वाइंडिंग को चेंज कर देना है ठीक है। ये लो वोल्टेज साइड है, इसको तो करना आपको शॉर्ट, हाँ मीटर वैसे के वैसे लगे रहेंगे, केवल वोल्टेज के मान को कम करना है, 250 से 12.5 वोल्टेज करना है, हाँ 15 कर लो लास्ट, 15 से ज्यादा नहीं देना। अब इसको तो कर देंगे अपन शॉर्ट, ये खोल लो दोनों भाई, या इसको जोड़ लो कोई दिक्कत, हाँ सप्लाई मत देना भी, इसको जोड़ दो। अब अपन उच्च वोल्टेज साइड में जोड़ दिए मीटर और सप्लाई है ना, इसको 15 वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं, इससे कर लो, हाँ मल्टीमीटर से चेक करो और अभी मत करो शॉर्ट, एक मिनट वोल्टेज पे इसको लगाओ सप्लाई में, इसी वोल्टेज पे सेट करो। सप्लाई लगा कितना आ रहा है, 4 बढ़ाओ, 15 वोल्टेज कर लो इसमें ठीक है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, 15 कर दो इसमें पूरा, 14 बस 15 कर। अब 15 वोल्टेज में सप्लाई हटाओ, उसको शॉर्ट करो सेकेंडरी वाइंडिंग को, और एमीटर की जगह एमीटर लगाओ, एमीटर पे रेंज पे सेट करो उसको, लास्ट में अब डीसी करंट पे है, उसको एक बार सिलेक्टर स्विच को दबाओ, ये एसी करंट पे होगा ठीक है। अब सप्लाई ऑन करो, रुक जाओ अभी मिठाई जल्दी करो, हाँ छोड़ो, शॉर्ट हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, अब इसको लगाओ सप्लाई में। अब देखो इसमें करंट का मान आ रहा है 0.15 और सब इसमें वोल्टेज कितना दे रहे हैं 15, 15 को 0.15 से मल्टीप्लाई करो सर, 225.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो दोबारा 22.5 आएगा ठीक है। ये आ गया आपका कॉपर लॉस, ये लॉस वेरिएबल है, ये अगर लोड बढ़ाओगे तो ये लॉस भी बढ़ेगा, घटाओगे तो
लोड का। मल्टीमीटर मिलेगा आपको, अगर ये नहीं मिले तो आपको मिली वोल्ट मीटर एमीटर लेना है। हाँ ये भी मिली में लेना है आपको, ये एमीटर है वो मिली एमीटर लेना है, जिसमें आपको पता लग जाएगा एक एम्पियर से कम भी लेगा ना उसका भी पता लग जाएगा। ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग का होता है इसी से बता देगा वैसे। हाँ ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग का होता है, ये मिली एमीटर है ना, ये 500 मिली तक मतलब 0.5 एम्पियर तक मापेगा, अगर ज्यादा करंट है तो ये अपना एमीटर ले लें। ठीक है, छोटे ट्रांसफार्मर ही रहते हैं आजकल तो, सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर देंगे 200-250 वोल्टेज के, तो उसमें ये इतना ही रहेगा लॉस है ना, 20-22-23-24-25 लास्ट। तो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, अब इसमें आपको एक करना है इसकी दक्षता और एक वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपको कल कराएंगे, अब आपको तीन प्रैक्टिकल बताए हैं, इनको दोबारा से आप रिवाइज करो और इसको सीखो, इनमें कोई दिक्कत हो तो मैं बता सकता हूँ। कौन सा ना छोटा नहीं।